अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चलिए मैं आज सेवियाँ तलने का तरीका बताऊँगी। ये सेवियों को तोड़ के रख ली हूँ मैं, आप लोग देख सकते हैं, छोटे छोटे करके रख ली हूँ। अब ये सेवियाँ तलने का घी है, आप लोग देख सकते हैं, ये सेवियाँ हैं। चलिए मैं सेवियाँ तलने का तरीका बताऊँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं, मैं चूल्हे पर कढ़ाई गर्म करने को रखी हूँ। अब मैं ये घी डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं मेरा घी गर्म हो चुका है। अब मैं ये सेवियाँ डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, इसको मैं अच्छी तरीके से ब्राउन कर लूँगी। ये आगे पीछे हिला लूँगी मैं इसको। माशाल्लाह क्या खुशबू आ रही है, आप लोग देख सकते हैं। मैं हमेशा मीठा बनाता था, फ्राई करके रख लेती हूँ। मेरा मन जब भी बोलता है शेरकुमा बनाती हूँ, मीठा बनाती हूँ, तो मैं उठा के रखती हूँ। 15 दिन तक चलते अपने हुए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं क्या कलर आया है मेरे सेवियों का। मैं इसी तरीके से पूरे सेवियों को फ्राई कर लूँगी, आप लोग देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं, ये था मेरे सेवियाँ तलने का तरीका। आप लोग भी एक बार मेरी तरीके से तल के देखिए। इसको 2 हफ्ते रख सकते हैं अपन, कुछ भी मीठा बनाना है तो बना के खा सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज़।